जय हिंद फ्रेंड्स, जोहार आप सभी को। आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सभी उपस्थित हुए हैं दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जैसे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो उसको आप लोग सेव कैसे करिएगा। तो आज का ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, बड़ा ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको उसका पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप सभी डॉक्यूमेंट कैसे बनाइएगा, हार्ड डिस्क में नया फोल्डर कैसे बनाइएगा, और नया फोल्डर बनाने के बाद आप लोग उसको सेव कैसे करिएगा। तो अगर आप सभी हमारे चैनल पर नया आए होंगे, पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर में क्या करते हैं, पेज लेआउट टैब में जाते हैं, और फिर पहले क्या करते हैं, पेज को सेट कर लेते हैं। क्योंकि जनरली कोई भी अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं, A4 साइज में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पेज लेआउट टैब है ना, ऊपर में सबसे पहले होम इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट। अब क्या करेंगे, साइज मारिएगा, उसके बाद यहाँ से A4 लीजिएगा। तो हमारा पेज सेट हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका एक हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ना, होम टैब आइए, उसके बाद थोड़ा सा क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ से देखिए ग्रो फॉन्ट करके साइज हम लोग क्या करते हैं, हल्का से यहाँ से बड़ा कर लेंगे, क्योंकि छोटा में बहुत छोटा छोटा दिखेगा ना। अब यहाँ पे क्या बनाते हैं, जैसे सेप डिजाइन हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको जो इच्छा रहेगा बनाइएगा, क्योंकि हमको सेव करने का प्रोसेस सीखना है। ये हम लोग सेप डिजाइन यहाँ पे लिख दिया ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करके मोटा कर लेंगे, और यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको जैसा पसंद आएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा ना। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कर ले रहा हूँ, आपको जो ठीक लगेगा कर लीजिएगा। इसको अंडरलाइन भी यहाँ से कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ से कर्सर को इंटर प्रेस करिएगा। देखिए यहाँ पे कर्सर आपको यहाँ पे शो कर रहा है ना, तब कीबोर्ड से क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर लीजिएगा। तो हम लोग का क्या होगा, कर्सर जो है नीचे आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे एक सेप डिजाइन कर लेते हैं। तो सेप डिजाइन करने के लिए कहाँ पर जाना होगा, इंसर्ट टैब में जाइएगा। देखिए इंसर्ट में चले गए, उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, सेप मिलेगा। तो आप सभी यहाँ से क्या करिएगा, एक सेप ले लीजिएगा, जैसे इस तरह का सेप लिए ना। और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, एक इलिप्स को लेते हैं, जैसे इस तरह का हम एक क्या कर रहे हैं, गोल डिजाइन कर रहे हैं। मतलब आपको जो भी अच्छा लगेगा आप यहाँ से बना सकते हैं, या फिर कोई भी नोट्स भी आपके पास हो सकता है। चलिए डिजाइन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करके यहाँ से देखिए कलर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब खुलेगा, इसके लिए आप यहाँ से सेप फील्ड में जाइएगा ऊपर में, या तो यहाँ से भी कोई आप डिजाइनिंग ले सकते हैं जो आपको ठीक लगेगा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, सेप फील्ड में चल जा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से क्या किया, पीला कलर कर ले रहे हैं इस तरह का। तो आपको जो ठीक लगेगा कर लीजिएगा। इसका जो है हम लोग क्या करेंगे ना, चलिए डिजाइन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा एक और सेप लेते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको इधर से भी मिल रहा है, लेकिन हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर से दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा डिजाइन जैसे स्टार वगैरह हम ले लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक स्टार ले लेते हैं। इसको जो है ना इस तरह से क्या करेंगे, आराम से यहाँ से सेट कर लीजिएगा। तो हम लोग का परफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो गया ना। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके इसका आउटलाइन को देखिए, यहाँ से आउटलाइन हल्का सा क्या करिएगा, मोटा कर लीजिएगा। देखिए इस तरह का, जैसे ये बाहर वाला किनारा ना, जैसे अंदर तो हम लोग कर ही लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आउटलाइन का कलर चेंज करिए, ऊपर वाला सेप फिर है अंदर डालने के लिए कलर, और उससे नीचे वाला क्या लिखा है, जैसे सेप आउटलाइन, तो आउटलाइन आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए इसको जो है ना थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उठा करके इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, बड़ा ही कमाल का है। तो आप लोग वीडियो पूरा का पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। तो अभी देखिए एक बन गया ना, एक हम लोग क्या करते हैं, बगल में एक और डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब एक और सेप हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। तो पहले इस बार हम लोग क्या करेंगे, स्टार को लेंगे, इंसर्ट में जा करके फिर से यहाँ से लीजिएगा। देखिए चलिए ये हम लोग का क्या हो गया, फिर से एक स्टार यहाँ पे हो गया ना। और इसको क्या करेंगे, बढ़िया से थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सेव फिल, और आपको जो यहाँ से कलर ठीक लग रहा है कलर, या फिर तो नीचे आइएगा, देखिए पिक्चर भी डाल सकते हैं, नीचे टेक्सचर मिलेगा। तभी क्या करते हैं ना, टेक्सचर डालते हैं, जैसे ये वाला टेक्सचर सेलेक्ट कर लिए, आपको जो ठीक लगेगा सेव फिल में जाके आप वो भी डाल सकते हैं। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन हल्का सा क्या करेंगे, मोटा कर देंगे। चलिए इतना मोटा लगभग हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आउटलाइन का यहाँ से कलर आप चेंज कर लीजिएगा। तो हमारा क्या हो गया, कलर भी यहाँ से चेंज हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए दूसरा फिर से आप यहाँ से देखिए एक अलग सा सेप ले सकते हैं, लेकिन फिर से आप इंसर्ट में जा रहे हैं। इंसर्ट में जाने के बाद क्या करिएगा, फिर से आप सेप फील्ड में जाइएगा, और इस बार क्या करते हैं ना, एलिप्स वाला को ऊपर डिजाइन करते हैं। देखिए ऐसे, तो हमारा क्या हो रहा है कि एक डॉक्यूमेंट मतलब सिंपल से एक हम लोग क्या कर रहे हैं, सेप डिजाइन कर रहे हैं। चूँकि सेप करने के लिए कुछ आपके पास क्या होना चाहिए, जो हमारा जो पेज है उसमें कुछ ना कुछ बना हुआ होना चाहिए, जैसे कोई नोट्स हो, या तो कोई भी डिजाइनिंग करके रखिए, हाइपरलिंक हो, कुछ भी आप बनाते हैं तो उसको आपको सेव करने का प्रोसेस जो है पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इसका, देखिए चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, आउटलाइन में चलेंगे, और इसको थोड़ा सा नहीं होगा तो ये वाला कलर हम लोग दे देते हैं, और चलिए ये वाला पीला कलर ही कर देते हैं। तो ये हम लोग का जनरली क्या हो गया, अब जो है ना दो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सेप डिजाइन कर दिए दो तरह का, यानी कि कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं,
ये वाला जो होगा इसको हल्का सा क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नहीं होगा तो इसको जो है ना नीचे हम लोग खिसकाते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे में आ गया ना, ऊपर वाला को भी थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग नीचे इस तरह से करके कर लेंगे। जो आपका जो कीबोर्ड में चारों तरफ जो एरो रहता है ना उससे नीचे आ जाइएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दो शेप हम लोग का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए अब देखिए अब का प्रोसेस मेन है। देखिए अब क्या करिए, फाइल में आइए। देखिए सबसे किनारे आपको क्या है, फर्स्ट टैब जो मिलता है उसके ऊपर में देखिए आपको क्या मिलेगा, फाइल। अब आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पे सेव एज लिखा हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है, F12 अगर कीबोर्ड से प्रेस करिएगा तो भी आ जाएगा। सेव में नहीं जाना है, सेव एज में गए। अब क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपका जो है ना देखिए सेव लिखा हुआ है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ भी सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेव करने के बाद होगा क्या ना कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप बनाइएगा वो कहाँ सेव हो जाएगा, देखिए ऊपर में कहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट, और बाद में कहाँ डॉक्यूमेंट आप ढूंढते फिरिएगा, मिलेगा भी नहीं। इसलिए ध्यान से करना है कि कहाँ पर हम करेंगे इसको, थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क बटा हुआ है ना, C, D और E। आपका लोकल डिस्क लिखा सकता है या तो न्यू वॉल्यूम में लिखा हुआ रहेगा, तो आप ई में भी कर सकते हैं, डी में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे ना, हम अपना को डी में कर रहे हैं, आपको जहाँ पे करना होगा तो हम यहाँ पे डी में चले गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे किसी किसी का नाम शो कर रहा है ना, तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना। जैसे देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा लेना, क्लिक कर लीजिएगा। न्यू फोल्डर का शॉर्टकट होता है दोस्तों क्या, Ctrl Shift और N, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लगता है कि नहीं हम यहाँ पे न्यू फोल्डर नहीं क्लिक करेंगे या कभी कभी नहीं शो करता है, तो आप वहाँ से Ctrl Shift और N अगर प्रेस करिएगा तो भी आपका क्या होगा, शॉर्टकट्स के माध्यम से भी फोल्डर बनता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करिएगा, इसको बैक करके हटा लीजिएगा और आप अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि फोल्डर बनाना अति आवश्यक है सेव करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं, अपना चैनल का ही नाम यहाँ पे देते हैं ना, जैसे देवेंद्र सर। उसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे, PC एजुकेशन करके हम एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोल्डर बना ले रहे हैं। यानी कि आपको पता चला कि हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर बना लेंगे। अब यहाँ से क्या करिएगा, ओपन में क्लिक करिएगा। अभी नहीं काम हुआ, फिर से दोबारा ओपन करिएगा। देखिए जैसे ओपन किए तो ऊपर में जब आइएगा तो देखिए यहाँ पे देवेंद्र सर PC एजुकेशन लिखा हुआ है ना। अब हमारा फोल्डर क्या हो गया, बन के तैयार हो गया और हम लोग उसको ओपन भी कर लिए। अब देखिए यहाँ पे फाइल नेम देना इंपॉर्टेंट है, तो आप जैसे जो भी अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसी से रिलेटेड नाम देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माय सेव डिजाइन। अब रिज्यूम बनाइएगा तो रिज्यूम, या जो भी डॉक्यूमेंट बनाइएगा आप उससे रिलेटेड नाम दीजिएगा और यहाँ से सेव कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेव लिखा लेना, अब इसके बाद कीबोर्ड से एंटर या फिर सेव कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस था दोस्तों सेव करने का, ये हमारा कंप्लीट हो गया, सेव हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, एप्लीकेशन क्लोज हो गया। अब इसको देखने के लिए भी हम आपको बताते हैं कि अब इसको कैसे देखिएगा। तो देखने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में चले जाते हैं। तो नहीं, आपको देखिए डेस्कटॉप में क्या है, दिस PC लिखा रहेगा या तो कंप्यूटर रहेगा, आप वहाँ पर क्या करिएगा, क्लिक कर लीजिए। अब इसके बाद कहाँ पर सेव किए थे, देखिए यहाँ पे न्यू वॉल्यूम D में ना, आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, कहाँ पे सेव किए थे, देखिए नीचे आइए, मेरा क्या मिलेगा, देवेंद्र सर PC एजुकेशन का एक फोल्डर मिलेगा, तो आपका नाम यहाँ पे मिलेगा, आप उसको ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माई सेव डिजाइन लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं ना, और क्लिक करके क्या करिएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाए हुए थे ये हमारा सेव होकर के आ गया है, और अच्छे से हमारा क्या हो गया, सेव भी हो गया। यही प्रोसेस था दोस्तों। तो आज के लिए बस मैं आपको इतना ही बताता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर ले। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।